हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अमेजिंग, अभी तक की हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास 12th की सीरीज बहुत अमेजिंग चल रही है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, दो क्वेश्चंस करेंगे हम बूलियन एलजेब्रा से रिलेटेड, जो हमने लास्ट वीडियो में करा था उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दो क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो की ड्यूरेशन छोटी रहेगी और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो दो क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसका रिलेशनशिप पुरानी वाली वीडियो के साथ है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप पहले की वीडियो देख लेना, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, ए डॉट बी और उसके बाद ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश। डैश का ध्यान देना, ऐसे भी आ सकता है, ऊपर ऊपर लाइन भी आ सकती है, तो दोनों का मतलब सेम है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि ए यहां से आएगा, दिस इज ए दिस इज बी, इनके बीच में क्या लगाएंगे हम, डॉट, डॉट का मतलब एंड, तो दिस इज एंड, राइट। अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, ए और बी तो बना रखा है, इसका मतलब यहीं से लेंगे हम। तो क्या करा, यहां से हमने निकाल लिया ए, लेकिन ये क्या आ रहा हमारा ए, हमें क्या चाहिए ए डैश, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, नाउ दिस इज ए डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी, तो बी यहां पर है, यहां से ले आओ या यहां से ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया हमारा बी। और क्या चाहिए, सी डैश, तो सी डैश के लिए हम क्या करेंगे, सी तो है नहीं हमारे पास, सी बनाया, इससे पहले इसके बीच में क्या बना देंगे हम, डैश, तो ये हो गया डैश सी डैश। इन तीनों के बीच में क्या लगाना है हमें, एंड का साइन, यानी कि डी वाला डायग्राम, तो मैं बड़ा ही बना लेता हूं, दिस इज डी, ये इसको अच्छा सा कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स ने ना सही बनता नहीं है, लाइंस को ऐसे आप ऊपर लेकर आ जाना तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, दिस इज ए डैश डॉट बी डॉट सी, और अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, इससे आंसर क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डैश बी डॉट सी डैश, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करोगे जिसमें डैश यूज होगा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले आप लोगों ने, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इनपुट कितने हैं, तीन, ए बी एंड सी, इसके बीच में क्या आ गया हमारा, और, तो दिस इज और, ए प्लस बी प्लस सी,
नेक्स्ट क्या है हमारा, ए डैश बी डैश और डी डैश, ए और बी बना हुआ है तो हमने यहीं से निकाल लिया, दिस इज ए, बी यहीं से निकाल लेते हैं, दिस इज बी। ध्यान देना डैश के लिए हमेशा एक ही यूज होगा, तो ये बन गया हमारा दिस इज ए डैश। और क्या चाहिए हमें, बी डैश, बी डैश के लिए अलग से यूज करोगे, ये नहीं कि इसी में से निकाल दो, दिस इज बी डैश। और क्या चाहिए, डी, ये आ गया डी। इन तीनों के बीच में क्या चाहिए हमें, प्लस का सिंबल, तो प्लस कैसे होगा, कुछ ऐसे, दिस इज ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी। नेक्स्ट इज ए डैश बी और डी डैश। अब ध्यान देना काफी जगह पे क्या कराया जाता है, टीचर कहते हैं कि ए डैश तो आया हुआ है, वो वहीं से निकाल देते हैं, और काफी टीचर कहते हैं कि नहीं, ए दोबारा से लेकर आओ, दोबारा से ए डैश बनाओ। गलत यहां से निकालना भी नहीं है, और गलत ये भी नहीं कि आप दोबारा से ए लो और दोबारा ए डैश बनाओ, तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा स्कूल में कॉलेज में कैसा कराया गया। तो मैं दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर हमने ज्यादा डार्क कर दिया, यानी वो यहां पे भी जा रहा है और यहां पे भी जा रहा है, ये क्या आ गया हमारा, दिस इज ए आया, तो क्या बनाया हमने इसका, ए डैश, दिस इज ए डैश। ए डैश के साथ क्या चाहिए हमें, बी और डी डैश, तो ये हमारा बी था, यहीं पे हमने डार्क करा, और यहां से हम किसको ले आए, बी को। और क्या चाहिए हमें, डी डैश, तो डी यहां बना दिया, बना हुआ है ऑलरेडी, दिस इज डी आया, और ये क्या आ गया, डी डैश, ठीक है। तो ये ए डैश बी डी डैश, इन तीनों के बीच में प्लस का साइन, और तो ये हो गया हमारा ए डैश प्लस बी प्लस डी डैश, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब ध्यान दो तीनों के बीच में एंड है तो आप एक ही बना सकते हो। इससे पहले जब हमने करा था कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, एक जगह डॉट था और एक प्लस था, तो पहले हमने डॉट को सॉल्व कर दिया फिर प्लस को कर दिया, दोनों के अलग अलग सिंबल, लेकिन जब सेम है तो हम एक ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया, ये इधर, और बीच में क्या लगा देंगे, एंड का साइन, इससे क्या आंसर आ गया, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो जरूर लिख देना, ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी, ए डैश प्लस बी प्लस डी डैश, नाउ दिस इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा यही कर रखा है आप लोगों ने सबने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग उसमें से प्रैक्टिस करना। इसके अंदर अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने सीख लिया एंड और एंड नॉट, अभी दो और हमारे सर्किट डायग्राम है नैंड एंड नॉर के, वो अभी हम इसमें नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अमेजिंग, उम्मीद रखूंगा आपको बहुत आसानी से मैंने सिखाया है, दोनों क्वेश्चंस सही से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।